हेलो एवरीवन, ये जो है पीआरटी का केवीएस का पूरा डिटेल सिलेबस है। इसमें सबसे पहले तो बताया गया है कि 180 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टाइप मीन एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आएंगे, जिसके लिए हमें 180 मिनट्स का टाइम मिलेगा। इसमें जो है पार्ट ए में जो है आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है, जो कि इंग्लिश उसमें 10 नंबर की है एंड हिंदी 10 नंबर की है। देन पार्ट टू में जनरल अवेयरनेस है 10 नंबर का, रीजनिंग एबिलिटी 5 नंबर की और कंप्यूटर हमारा 5 नंबर का है। पार्ट थ्री में हमारी पेडागॉजी है, बेसिकली इसमें जो है अंडरस्टैंडिंग लर्नर का टॉपिक जो है वो 15 मार्क्स का है, टीचिंग लर्निंग 15 मार्क्स का है, क्रिएटिव लर्निंग एनवायरनमेंट हमारा 10 मार्क्स का है, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप हमारा 10 मार्क्स का है, पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन 10 मार्क्स का है। और पार्ट फोर में जो है 80 मार्क्स का सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। अब सब्जेक्ट स्पेसिफिक में क्या क्या होगा वो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। आफ्टर एग्ज़ाम जो है डेमो टीचिंग और इंटरव्यू होगा, जिसका रेशियो रहेगा 70-30, 70 रिटर्न एग्ज़ाम एंड 30 जो है आपका इंटरव्यू बेस्ड। उसके बाद जो है आपका डिटेल्स सिलेबस में क्या क्या आएगा, इंग्लिश में जो है आपके जो 10 नंबर की इंग्लिश है उसमें आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, वर्ड पावर रहेगी, ग्रामर एंड यूसेज रहेगी। हिंदी में आपके पठन कौशल रहेगा, शब्द सामर्थ्य रहेगा और व्याकरण रहेगी। जनरल अवेयरनेस में जो है आपके करंट अफेयर के टॉपिक और जनरल अवेयरनेस रहेगी। रीजनिंग में आपका रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स रहेंगे और कंप्यूटर आपका बेसिक कंप्यूटर रहेगा। उसके बाद पैडागॉजी में आपकी अंडरस्टैंडिंग द लर्नर में ग्रोथ, मैच्योरेशन, डेवलपमेंट, प्रिंसिपल्स वगैरह रहेंगे। उसके रोल ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसीज रहेगी, अंडरस्टैंडिंग एडोलसेंस, उसकी नीड्स, उसकी एजेस वगैरह आपसे पूछेंगे, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट रहेंगे। और अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग में आपके सारे रोल ऑफ टीचर हो जाएंगे, नेचर ऑफ टीचर हो जाएगा, क्लासरूम एनवायरनमेंट हो जाएगा और काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जो आप यहाँ पे स्क्रीन पे से देख सकते हैं। देन क्रिएटिंग कंडिसिव लर्निंग एनवायरनमेंट में आपके कॉन्सेप्ट रहेंगे डाइवर्सिटी के, डिसेबिलिटी रहेगा, इंक्लूजन रहेगा, इंक्लूसिव एजुकेशन रहेगा। देन जो है कंसेप्ट ऑफ स्कूल मेंटल हेल्थ रहेगा आपका और काफ़ी सारे अदर टॉपिक्स है जो आपको पढ़ने हैं, मीन्स बेसिकली चाइल्ड डेवलपमेंट और साइकोलॉजी के आपके एजुकेशन के टॉपिक होंगे। उसके बाद स्कूल ऑर्गेनाइजेशन और लीडरशिप में रहेगा कि पर्सपेक्टिव क्या है स्कूल लीडरशिप्स के और यूजिंग स्कूल प्रोसेसेस। उसके बाद पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन में आपका रोल ऑफ स्कूल रहेगा कि एम्स ऑफ एजुकेशन को कैसे अचीव किया जाए, NEP 2020 रहेगी, गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड राइट्स रहेंगे, स्कूल करिकुलम रहेंगे, उसके प्रिंसिपल्स रहेंगे और हिस्टोरिकली स्टडी द नेशनल पॉलिसीज आपको पढ़नी है एजुकेशन की। देन जो है आपका 80 मार्क्स का सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा, उसमें आपको जो है इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक्स आएंगे आपके, नाउन प्रोनाउन, फर्स्ट टू फिफ्थ का बेसिकली लेकर चलना है, बट टेंथ तक का आपको अच्छे से आना चाहिए। तो ये मेन उसके टॉपिक्स है। हिंदी में भी आपकी व्याकरण रहेगी, संज्ञा विशेषण रहेंगे, मैथमेटिक्स के टॉपिक है, ज्योमेट्री वगैरह के टॉपिक्स है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, अर्थमेटिक्स है, काउंटिंग ऑपरेशंस है, मेजरमेंट लेंथ है, वेट है, कैपेसिटी है, टाइम है, डाटा इंटरप्रिटेशन है। उसके बाद EVS में जो है आपके ऐसे फैमिली फ्रेंड्स, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रैवल, थिंग्स वी, ये सब जो है सब्जेक्ट कंसर्न में हमें पढ़ना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।